हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्फिनिटी ट्रिक्स। और हम आज 10 ऐसी हॉलीवुड मूवीज के बारे में बात करने वाले हैं जो 2023 में रिलीज हुई है। और हाँ, इन 10 मूवी में से कोई भी मूवी सुपर हीरो वाली नहीं है और ना कोई मूवी एनिमेशन पे बेस्ड है, क्योंकि इस लिस्ट में ऐसी ऐसी मूवीज हैं जो अपने स्टोरी के लिए फेमस है। और इन मूवीज का रेटिंग प्योरली पॉपुलैरिटी बेस्ड है, यानी जो मूवी ज़्यादा पॉपुलर है उसे ऊपर रखा गया है। मैं आपको इन 10 मूवीज़ के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कौन कौन सी मूवी आप किस OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं और इनमें से कौन कौन सी मूवी हिंदी में अवेलेबल है। तो चलिए, अब ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली मूवी जो नंबर 10 पे आ रही है उसका नाम है चूपा। ये मूवी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है और ये एक एडवेंचर मूवी है जिसकी कहानी बेस करती है चूपा के ऊपर, जो हमेशा से अपनी माता पिता के साथ गुफाओं में रहता है। लेकिन एक दिन कुछ साइंटिस्ट आके जब वहाँ खोज करने लगते हैं तो ये उनसे बच के बाहर आ जाता है, और उसके लिए बाहर की दुनिया पूरी तरह से नई है। अब वो इस चीज को कैसे डील करता है और वो किनसे मिलता है, ये आपको इस मूवी में दिखाया गया है। ये मूवी लगभग 2 घंटे की है और ये मूवी नेटफ्लिक्स पे हिंदी और तमिल दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। नेक्स्ट मूवी नंबर 9 पे आती है 65। ये एक एक्शन एडवेंचर मूवी है जो अमेजोन प्राइम पे रिलीज हुई है, और इसकी कहानी बेस करती है हमारे हीरो के साथ कि एक दिन अचानक से वो 65 मिलियन ईयर पहले पहुंच जाता है। और वहां जाके उसे ये पता चलता है कि 65 मिलियन ईयर पहले भी एक अर्थ था जहाँ पे इंसान रहते हैं, और उनके पास भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है लेकिन उनको असली अर्थ के बारे में नहीं पता है। अब हमारा हीरो वहां पे जाके कैसे क्रिएचर्स का सामना करता है, यानी कि डायनासोर वगैरह, वो चीज आपको इस मूवी में दिखाई गई है। और अमेजोन प्राइम की मूवी को आप हिंदी में देख सकते हैं और इस मूवी का लेंथ लगभग 1.5 घंटे का है। 8 पे जो मूवी आ रही है उसका नाम है प्लेन। ये एक एक्शन थ्रिलर सर्वाइवल मूवी है जो अमेजोन प्राइम पे आई है, और इसकी कहानी शुरू होती है जब एक पायलट को खराब वेदर के कारण जानबूझ के एक आइलैंड पे लैंड कराना पड़ता है। लेकिन जब वो प्लेन वहाँ लैंड होता है तब वहाँ जाके उन्हें पता चलता है कि ये कोई आम आइलैंड नहीं है, बल्कि ये एक पूरी तरह से वॉर जोन आइलैंड है। माने यहाँ पे नक्सलियों ने कब्जा किया हुआ है, और वही नक्सली आके कुछ पैसेंजर्स को बंदी बना लेते हैं। अब वो सब वो आइलैंड पे कैसे सरवाइव करते हैं, यही चीज आपको इस मूवी में दिखाई गई है। और अमेजोन प्राइम की ये मूवी हिंदी में तो अवेलेबल नहीं है, और इस मूवी का लेंथ लगभग 1 घंटे 50 मिनट का है। मूवी नंबर 7 पे आती है लूथर द फॉलन सन। ये एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं, और इस मूवी की कहानी शुरू होती है लूथर के साथ जो एक डिटेक्टिव है और वो जेल में बंद है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि शहर में एक नया सीरियल किलर आया है जो मर्डर करते जा रहा है, और वो लूथर को चैलेंज कर रहा है कि उसे रोक के दिखाने के लिए। अब उसको रोकने के लिए लूथर जेल से भागना चाहता है। अब वो ये सब कैसे करता है और वो जेल में क्यों है, ये सब तो आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। और नेटफ्लिक्स की ये मूवी आप हिंदी में भी देख सकते हैं जिसका लेंथ है 2 घंटे और 10 मिनट का। मूवी जो नंबर 6 पे आ रही है उसका नाम है द लास्ट किंगडम 7 किंग्स मस्ट डाई। द लास्ट किंगडम के पहले एक सीरीज आई है, अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी है तो मैं तो बोलूंगा कि इस मूवी को ना ही देखे तो अच्छा होगा, क्योंकि आप इसके बहुत सारे कैरेक्टर से रिलेट नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि इस मूवी की कहानी वहीं से शुरू होती है, यानी किंग एडवर्ड के मौत के बाद उसका अगला उत्तराधिकारी कौन होगा, उसी के ऊपर ये पूरी मूवी बेस करती है। और नेटफ्लिक्स की ये मूवी का लेंथ है लगभग 1 घंटे 50 मिनट का, और हाँ, आप इस मूवी को हिंदी में भी देख सकते हैं। अगली मूवी जो नंबर 5 पे आएगी उसका नाम है हंगर। ये एक थाई थ्रिलर मूवी है जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, और इसकी कहानी शुरू करती है एक लड़की के साथ जो एक शेफ बनना चाहती है, और वो एक बहुत बड़े शेफ के अंदर काम करती है। लेकिन स्टोरी बस इतनी नहीं है, उन दोनों के बीच में आपस में क्या होता है और क्या क्या कमाल की चीजें आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी, वो तो आप मूवी को देख के ही पता कर सकते हैं। क्योंकि मैंने जैसे पहले बोला, ये एक थ्रिलिंग मूवी है और इसके हर एक 10 मिनट पर आपको एक ऐसा ट्विस्ट मिलेगा जो आपको इस मूवी से चिपका के रखेगा। और हाँ, अगर आप कोई फूडी है तो इस मूवी को तो जरूर देखिएगा। और नेटफ्लिक्स की ये मूवी हिंदी में तो अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपको इसको इंग्लिश में ही देखना पड़ेगा, और इस मूवी का लेंथ लगभग 2.5 घंटे का है।
मूवी नंबर 4 पे आती है दी मेन्यू। ये एक डार्क कॉमेडी थ्रिलर मूवी है जो हॉटस्टार पे आई है। और इस मूवी की कहानी शुरू होती है जब एक बहुत बड़ा शेफ जो अपने खाने के लिए काफी फेमस है और उसका खाना खाने का मौका गिने चुने लोग को ही मिलता है, वो एक दिन ढेर सारे लोगों को दावत पे बुलाता है। लेकिन वहां पे जाने के बाद उन लोगों को क्या खाने को दिया जाता है और कैसे दिया जाता है ये देख के तो आपके होश उड़ जाएंगे। मूवी जितनी सुनने में सिंपल लगती है उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और डिज्नी प्लस हॉटस्टार की ये मूवी का लेंथ लगभग 1.5 घंटे का है, लेकिन ये मूवी हिंदी में अवेलेबल नहीं है इसलिए आपको इसको इंग्लिश में ही देखना पड़ेगा। नंबर 3 पे जो मूवी आ रही है उसका नाम है मिसिंग। ये एक थ्रिलर मिस्ट्रिकल मूवी है जो Amazon प्राइम वीडियोस पे आई है। और अगर आपने 2018 की मूवी सर्चिंग देखी है तो ये मूवी उसका स्टैंड अलोन सीक्वल है, यानी उसके मेकर्स एक है, बस कहानी में कोई कनेक्शन नहीं है। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की के साथ जिसकी माँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक वेकेशन पे जाती है और वहां जाके वो मिसिंग हो जाती है। अब वो लड़की अपनी माँ को ढूंढने के लिए क्या क्या करती है उसी के ऊपर ये पूरी मूवी बेस्ड है। मूवी काफी थ्रिलिंग है और अगर आपको ऐसी मूवीज पसंद है जिसके हर 10-15 मिनट पे एक सस्पेंस आएगा तो ये मूवी तो आपको जरूर देखनी चाहिए। और इस मूवी का लेंथ लगभग 1 घंटे 45 मिनट का है, लेकिन ये मूवी हिंदी में अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट मूवी जो नंबर 2 पे आ रही है उसका नाम है कोकेन बियर। ये मूवी Amazon प्राइम पे अवेलेबल है और ये एक एक्शन थ्रिलर ब्लैक कॉमेडी मूवी है जिसकी कहानी शुरू होती है एक भालू के साथ जो एक बार अनजाने में बहुत सारा कोकेन खा लेता है। और जब उसे कोकेन का नशा चढ़ता है तब वो चारों ओर खून खराबा का माहौल पैदा कर देता है। और इस मूवी की खास बात ये है कि ये मूवी सच्ची घटना पे आधारित है। और हाँ, ये मूवी 18+ है तो बच्चे तो इस मूवी को ना ही देखे तो अच्छा होगा। और Amazon प्राइम की ये मूवी लगभग 1.5 घंटे की है, लेकिन ये मूवी हिंदी में अवेलेबल नहीं है। हमारी आखिरी मूवी जो नंबर 1 पे आई है उसका नाम है ईविल डेड राइज। और फिलहाल तो ये मूवी थिएटर में चल रही है तो आप चाहे तो आप इसे थिएटर में देख सकते हैं। और ये मूवी एक प्योरली हॉरर मूवी है तो अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो इस मूवी से दूर ही रहिएगा, क्योंकि मूवी की कहानी बेस करती है एक फैमिली के ऊपर जहाँ एक माँ के 3 बच्चे हैं और वो चारों साथ में रहते हैं। लेकिन एक दिन जब अर्थक्वेक आता है तो घर में दरार आने के कारण एक चेंबर बाहर निकल के आता है और उसके कारण जो माँ है वो पोजेस हो जाती है। और उसके बाद जो चीज़ें आपको इस मूवी में दिखाई गई हैं वो आप अपनी आंखों से देखेंगे तभी आपको अच्छा लगेगा। और ये मूवी लगभग 1 घंटे 45 मिनट की है, लेकिन इंडिया में तो फिलहाल इसे हिंदी में डब नहीं किया गया है तो आपको इसको इंग्लिश में ही देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी 10 ऐसी हॉलीवुड मूवीज जो इस साल काफ़ी पॉपुलर रही हैं। और हाँ, इस लिस्ट में मैंने कोई भी सुपर हीरो मूवी या फिर कोई भी एनिमेटेड मूवी को इंक्लूड नहीं किया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और यहाँ तक आ ही चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन कौन सी मूवी आप देख चुके हैं। तब चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।